तो फ्रेंड्स वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं iOS 13 के कुछ फीचर्स। iOS मैंने अपडेट कर लिया है, तो जिसने जानना है कि क्या एक्चुअल में चेंजेस आए हैं जो यूजफुल हैं एक आम आदमी के लिए, तो वो आपको इसमें पता लगेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं क्या चेंजेस हैं जो काम के हैं। वैसे तो कह रहे हैं बहुत कुछ है, बट काम वाले बताऊंगा कुछ चेंज हैं काम के, वो तसल्ली करा देता हूं, आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहले जो चेंज आया है वो इसके ये डार्क मोड और लाइट मोड के बीच में। अब डार्क मोड लाइट मोड क्या है और इसके एडवांटेज क्या है? इसके डार्क मोड और लाइट मोड का मतलब ये है कि ये जो इसमें कुछ 4-5 वॉलपेपर्स आ गए हैं जो कि डायनेमिक हैं। डायनेमिक का मतलब वो उनका चेंज होता है, सुबह वो थोड़े लाइट हो जाते हैं और जब रात होती है तो डार्क हो जाते हैं। तो डार्क होने से होता क्या है, बैकग्राउंड से डार्क हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे जो मेन्यूज हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो टोटली ब्लैक हो जाते हैं। जैसे मैं किसी भी उसमें जाता हूँ, ये देखिए SMS में जा रहे हैं तो बिल्कुल ब्लैक दिख रही है आपको स्क्रीन। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि रात को हमारा जो आई की फिजियोलॉजी के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग है, तो वो डार्क जब अंधेरा है तो उसमें जब कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा तो अच्छे से विजिबल होते हैं चीज़ें और आइकन्स फॉर एग्जाम्पल। तो यही साइंस को उन्होंने अपनाते हुए ये जो डार्क बैकग्राउंड में है उसको ब्लैक कर दिया, मतलब कंट्रास्ट बढ़ाया है ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा लगे और इजीली दिखें। तो जनरली मुझे क्या लगा और क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, यस, रात को जब ये डार्क मोड में होता है तो आइकन्स और जो जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो थोड़ा इजीली पढ़ पाते हैं डार्क मोड में। ऑन द अदर एंड मॉर्निंग में उजाला ज़्यादा होता है तो उसमें लाइट वाले ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाते हैं। तो ये लाइट डार्क मोड काफ़ी यूजफुल है और नई चीज़ है iOS 13 के अंदर। और अब किस किस को मिलेगा अपडेट, आईफोन 7 के ऊपर जितने भी हैं सबके पास ये अपडेट आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फीचर जो अब आया है iOS 13 में जो कि बहुत ही यूजफुल है, वो है एडिटर, यानी फोटो एडिटर। पहले भी था एडिटर लेकिन अब जो आया उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छे अपडेट्स डाल दिए हैं। एक हाई एंड का काफ़ी ऑप्शन आपको मिलती हैं और सबसे बड़ी बात है उसी एडिटर के अंदर आप वीडियोज़ को भी कलर ग्रेड कर सकते हैं, मतलब उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये फीचर बहुत ज़बरदस्त बनाया है, काफ़ी कुछ एडिटिंग में उन्होंने डाल दिया और काफ़ी इजी ढंग से आप फोटोज़ या वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मज़ा iPhone 10 के ऊपर वाले जो लोग हैं, मतलब iPhone 10 के ऊपर मॉडल iPhone 10, iPhone 10s, 10s Max, मतलब इसके अबव वाले, उनको ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें ये दो लेंस होने की वजह से फ़ीचर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं और ज़्यादा आपको लाइटिंग की ऑप्शन मिलती हैं। उससे नीचे भी थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको जो एडवांटेज है वो 10 आईफोन 10 से स्टार्ट हो जाती है इस एडिटर की iOS 13 में। तो ये सबसे बड़ा अच्छी अपडेट मुझे लगी। इसके अलावा इसमें एक कीबोर्ड काफ़ी यूज़फुल है तो वो इन्होंने डाल दिया है। जैसे मैं आपको अगर डेमो दूं तो इसमें देखेगा नहीं, बस इसमें जैसे मैं इज लिखना है IS, मतलब आई के बाद सीधा एस के बाद विदाउट फिंगर उठाए मैं जाऊँगा तो अपने आप वर्ड यहाँ पर टाइप हो जाता है और आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एडवांटेज इसकी ये है कि थोड़ा अगर आप जब इसकी स्लाइडिंग की आपको आदत हो जाएगी तब काफ़ी ईज हो जाएगा, लेकिन जब हम नए हैं तब आपको टक टक करके ही टाइप करने की आदत है फोन में, तब आपको इतना यूजफुल नहीं लगेगा। पर विद टाइम जब आप ये यूज़ करते रह जाएंगे तो ये आपको फीचर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस फीचर से आपकी टाइपिंग काफ़ी हद तक बढ़ सकती है इन मैसेजिंग। तो ये तीसरा बहुत अच्छा फीचर iOS 13 में आपको देखने को मिलता है। चौथा, इन्होंने कुछ माइन्यूट चेंजेस करी हैं, जैसे कि आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या रिंगर को दबाते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन आ जाती है कि आपने रिंगर पे डाल दिया है और फिर वो गायब हो जाती है और जब रिंगर हटाते हैं तो वो फिर से आती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा लगता है आपको कि जो मैंने किया वो आपको स्क्रीन पे दिख गया कि आपने वाइब्रेशन ऑन किया है, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आपने वॉल्यूम घटाया, मतलब काफ़ी अच्छा आपको फील करवाते हैं, एक्सपीरियंस रिच है। बट वैसे यूज़फुल इसका कुछ नहीं है, बट एज फॉर डिस्प्ले काइंड ऑफ थिंग आपको अच्छा लगता है। और लास्ट चेंज जो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से वो है गेमर्स के लिए, आर्केड गेमिंग स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली फॉर गेमर्स है क्योंकि काफ़ी लोग गेम्स नहीं खेलना पसंद करते लेकिन काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। जो नई नई तरह के हाई एंड गेम्स खेलना चाहते हैं उनके लिए 100 रुपया महीने के हिसाब से
आपको ये आर्केड गेमिंग का प्लेटफॉर्म एप्पल का आपको मिल जाएगा, तो वो आप उससे गेमिंग कर पाएंगे। फिलहाल पहला महीना आपको ऑफर में फ्री दिया जा रहा है। तो ये चार पांच फीचर्स हैं जो कि एक्चुअल में यूज़फुल हैं। ज़्यादा डिटेल की आप gadgetmadam.com पे जा सकते हैं, वो हमारा ब्लॉग है, उस पर सारे ऐसे टेक गैजेट्स की लेटेस्ट सारी अपडेट्स डलती हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। और हमारा पेज भी है फेसबुक पे गैजेट मैडम, तो उसको फॉलो करें तो आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। ऑलमोस्ट डेली उस पर नया ब्लॉग आता है रिगार्डिंग टेक, तो आप डिटेल्स के लिए लिंक मैंने दिया हुआ, आप जा सकते हैं। तो होप आपको पसंद आया होगा आईओएस 13 का वीडियो। तो ये कुछ है चार पांच चीज़ें जो काफ़ी अच्छी हैं। सुनने में आया 13.1 भी आने वाला है, और उसमें वो फीचर आ रहा है कि आप अपने प्रोसेसर को स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं आईफोन XS और 10 में और XR में। तो वो फीचर कितना काम का होगा और वो बूस्टिंग का क्या फ़ायदा होगा, तो आप बने रहें चैनल के साथ, क्योंकि जो भी टेक मैं यूज़ करता हूँ मैं शेयर करता हूँ। अदरवाइज दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ड्रोन्स, हम ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाते हैं। तो वो आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।